हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑटो कंपेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं ब्रीजा की 2020 मॉडल और फोर्ड इको स्पोर्ट के बीच में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए बन सकती है बेहतर चॉइस और किसमें है ज़्यादा दम। तो शुरुआत करते हैं प्राइसिंग एंड वेरियंट्स के साथ। तो ब्रीजा 2020 की कीमत शुरू होती है 7,34,000 से और टॉप मॉडल की कीमत जाती है 11,40,000 रुपये तक। यह गाड़ी सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन में आती है और इसमें पेट्रोल में 9 मॉडल्स आती हैं। अब फोर्ड इको स्पोर्ट की बात करें तो इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 8,04,000 रुपये से और टॉप वेरियंट की कीमत जाती है 11,66,000 रुपये तक। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेट्रोल में 7 मॉडल और डीजल में 6 मॉडल देखने को मिलती है। अब दोस्तों दोनों की वेरिएंट की भी बात करें तो आपके पास ब्रीजा में सिर्फ पेट्रोल लेने का ऑप्शन है, लेकिन आपको इको स्पोर्ट में डीजल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो पेट्रोल मॉडल्स के बीच में, जहां पर हमने लिया है ब्रीजा का ZXi80 मॉडल जिसकी कीमत है 10,50,000 रुपये और वहीं हमने फोर्ड इको स्पोर्ट का लिया है टाइटेनियम प्लस मॉडल जिसकी कीमत है 10,53,000 रुपये। दोनों ही पेट्रोल मॉडल हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए होने वाली है सही। तो शुरुआत करते हैं डिज़ाइन वाइज। तो डिज़ाइन के हिसाब से बात करें तो फोर्ड इको स्पोर्ट ब्रीजा से लगभग 3 mm ज़्यादा लंबी है। चौड़ाई में बात करें तो ब्रीजा फोर्ड इको स्पोर्ट से 25 mm ज़्यादा चौड़ा है। वहीं हम लोग हाइट की बात करें तो 7 mm का ज़्यादा हाइट आपको इको स्पोर्ट में देखने को मिलता है। आपको 328 लीटर का बूट स्पेस ब्रीजा में देखने को मिलता है और 352 लीटर का बूट स्पेस आपको इको स्पोर्ट में देखने को मिलता है। अब एक बहुत अच्छी चीज़ आपको इको स्पोर्ट में लगेगी वो है इसका सनरूफ। जी हाँ दोस्तों, आपको इको स्पोर्ट में सेम प्राइस सेगमेंट पर सनरूफ देखने को मिलता है, जबकि ब्रीजा में ये फीचर मिसिंग है। बात करें इंजन एंड माइलेज के मामले में तो ब्रीजा की 2020 मॉडल में आपको 1462 सीसी का ऑटोमेटिक पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि 4 सिलेंडर है। ये गाड़ी जनरेट करती है 103.2 bhp का पावर विद अ टॉर्क ऑफ 138 न्यूटन मीटर टॉर्क। माइलेज भी बता देता हूँ, ये गाड़ी आपको देती है लगभग 18.76 kmpl का माइलेज है, ARAI सर्टिफाइड माइलेज है और 48 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करें फोर्ड की इको स्पोर्ट, तो इसके अंदर आपको 1497 सीसी का 3 सिलेंडर मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इंजन देखने को मिलता है जो कि जनरेट करती है 121.36 bhp का पावर विद अ टॉर्क ऑफ 149 न्यूटन मीटर। अब दोस्तों ये गाड़ी आपको माइलेज दे देती है 15.9 kmpl का विद द फ्यूल टैंक ऑफ 52 लीटर्स। तो इंजन हम कंपेयर करें तो आपको ब्रीजा में 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जबकि इको स्पोर्ट में 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, लेकिन आपको इको स्पोर्ट में ब्रीजा से ज़्यादा पावरफुल इंजन देखने को मिलता है। लगभग ये गाड़ी 17 bhp ज़्यादा पावर जनरेट करती है, लेकिन अगर माइलेज की कंपैरिजन करें तो आपको ब्रीजा के पेट्रोल मॉडल में ज़्यादा बेहतर माइलेज देखने को मिल जाता है। ये ARAI वैल्यू है। अब ऑन रोड कंडीशन बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेकिन आपको इको स्पोर्ट में एक डीजल वेरियंट भी उपलब्ध है जो कि बेहतर एवरेज दे सकता है। अब बात करें कंफर्ट के मामले में तो देखिए आपको कंफर्ट के मामले में पावर विंडो फ्रंट एंड रियर दोनों में देखने को मिलता है। हाँ, आपको इको स्पोर्ट में रिमोट ट्रंक एंड फ्यूल लिड ओपनर देखने को मिल जाता है जो कि ब्रीजा के 2020 मॉडल में मिसिंग है, लेकिन आपको ब्रीजा में क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है जो कि टाइटेनियम प्लस वाले मॉडल में मिसिंग है फोर्ड इको स्पोर्ट के। स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दोनों ही मॉडल्स में उपलब्ध हैं। हाँ, आपको डुअल टोन डैशबोर्ड इको स्पोर्ट में देखने को मिलता है, लेकिन ब्रीजा में नहीं दिया गया है। अब दोस्तों बात करें सुरक्षा के नज़रिए से तो दोनों ही गाड़ी में आपको ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट अलार्म, हिल असिस्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन क्या ऐसे फीचर है जो कि हमें ब्रीजा में देखने को मिलता है फोर्ड इको स्पोर्ट में नहीं है? तो वो हैं, कोई भी फीचर ऐसे नहीं। आपको जहाँ ब्रीजा में 2 एयरबैग्स देखने को मिलता है, वहीं फोर्ड की इको स्पोर्ट में आपको 6 एयरबैग देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इको स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपको सेफ्टी फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, रियर कैमरा, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक। अब ये जो फीचर्स हैं इसमें हम कह सकते हैं सेफ्टी के मामले में इको स्पोर्ट बहुत ज़्यादा बेहतर है ब्रीजा से। कहाँ आपको 2 एयरबैग ब्रीजा दे रहा है, वहीं आपको इको स्पोर्ट में 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, आपको फीचर्स भी ज़्यादा दे रहा है सेफ्टी में फोर्ड की इको स्पोर्ट। अब बात करें ऑन रोड प्राइसिंग, तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर, ये शहर शहर पर डिपेंड करता है, ये आपका दिल्ली के शोरूम की प्राइस है आप देख रहे हैं अपने डिस्प्ले पर, और लगभग 4,000 रुपये महंगा पड़ रहा है आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट। लेकिन इको स्पोर्ट में आपको एक सनरूफ देखने को मिल जाता है और बेहतर सेफ्टी देखने को मिल जाता है इको स्पोर्ट में। और ब्रीजा की तारीफ करें तो ब्रीजा में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है और 4 सिलेंडर का इंजन देखने को मिल जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर माइलेज देखने को मिल जाता है ब्रीजा में। लेकिन ब्रीजा में एक छोटी सी कमी है कि कंपनी इसको डीजल वेरियंट
में अभी नहीं आई है, तो हो सकता है आने वाले समय में डीजल ब्रीजा में आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसे कंपैरिजन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो कंपेयर। आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है ये बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपके मन में कोई ऑटो कंपैरिजन देखना है, कोई दो गाड़ियों के बीच में आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर।